नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सर्वेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रॉपिंग बिहारी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपको कुछ नई जगह की सैर कराते हैं, वैसे ही आज हम चल रहे हैं अयोध्या। अयोध्या के स्टेशन पे सुबह 5 बजे हम पहुंचे। सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचकर हम सबसे पहले गए रामघाट, जो एक कैनाल है, वहाँ नहाने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है, जिसके अंदर पानी सरयू नदी के अंदर से आता है, जिसको पंप के द्वारा लाया जाता है कैनाल के अंदर। दोस्तों, यहाँ पहुंचकर बहुत ही अच्छी तरीके से आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप यहाँ चाहे तो यहाँ नहाएं या फिर सरयू नदी के किनारे या उनके तट पर नहाएं। नहाने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया गया दोस्तों। यहाँ आप स्नान करें, स्नान करने के बाद आप यहाँ से सीधे चाहे हनुमान गढ़ी, जहाँ भगवान श्री हनुमान जी वास करते हैं, और वहाँ पे आप उनकी पूजा करें, उनका दर्शन करें। बहुत ही अच्छे समय से दर्शन हो जाता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती सुबह में। और इसके बाद आप वहाँ से निकलें और प्रभु श्री राम के मंदिर, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। बहुत ही कम समय में हमने अयोध्या की परिक्रमा कर डाले। अयोध्या हम लोग करीब 5 बजे पहुँचे और 9-9:30 बजे तक हमने पूरी अयोध्या का भ्रमण कर लिया। रामघाट में स्नान किया, वहाँ से निकल के सरयू नदी में किनारे उनके तट पे घुमा, हनुमानगढ़ी में जाके भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन किया दोस्तों। उसके बाद हम वहाँ से निकले, राम मंदिर के प्रांगण में गए, जहाँ उनका निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों, कहने की बात तो कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण जब तक हो नहीं जाता, तब तक यहाँ कुछ और देखने लायक नहीं है। राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप अयोध्या जब भी आएँ तो ज़रूर हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, हनुमान जी के, फिर भगवान श्री रामचंद्र की मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करें, जहाँ उनका निर्माण चल रहा है। यहाँ पे कनक महल, दशरथ महल और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आप आराम से घूम सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है वहाँ घूमने में। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छा बनाया गया है, किसी से कोई समस्या नहीं हो रही है दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम सरयू नदी के तट पे स्नान कर रहे थे, और यहाँ से स्नान करने के बाद ही हम आगे बढ़े, और वहाँ आगे जा कर के हमने भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन भी किया दोस्तों। यहाँ देखिए, हमारे जो दोस्त हैं श्री अमोद जी, अपने बॉडी को पूरे अच्छी तरीके से धोते हुए नदी के अंदर स्नान कर रहे हैं। इनका मानना है कि आत्मा शुद्ध तभी होती है जब मन शुद्ध होता है, बॉडी शुद्ध होता है। उसके बाद हमने भी शरीर जी में स्नान किया। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ से निकल के हनुमानगढ़ी पहुँच के भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करने के बाद मन काफ़ी शांतिपूर्ण हो जाता है, और भगवान का जो नाम लेता है वो अवश्य ही सुखमय जीवन जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और अयोध्या भ्रमण करने आए तो आप ज़रूर यहाँ नहाए सरयू जी के तट पे, चाहे तो आप राम घाट पे, जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पे नहा सकते हैं, और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करें, और पूरी अयोध्या घूम करके आप सुरक्षित किसी दूसरी तरह की तरफ चले। दोस्तों, हमने 4 घंटे के अंदर पूरे अयोध्या को घूम डाला, मतलब यहाँ अच्छा से दर्शन भी हो जाता है और भगवान का नाम भी ले जाता है। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।